जयपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व और खालसा पंथ स्थापना दिवस के मौके पर शबद कीर्तन और अरदास कर वाहेगुरु से सबकी खुशहाली की कामना की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी माता और अपने बड़े भाई दलेर सिंह होरा समेत अपने परिजनों के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सिख धर्म की महिमा बताई। इसके बाद सभी सिख जनों ने लंगर में प्रसादी ग्रहण किया। देवेंद्र नगर गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व और खालसा पंथ स्थापना दिवस के अवसर पर शबद कीर्तन और अरदास का आयोजन किया गया। वाहेगुरु से सबकी खुशहाली की कामना यहां पर की गई। यहां पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी माता और अपने बड़े भाई दलेर सिंह होरा समेत अपने परिजनों के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सिख धर्म की महिमा बताई। गौरतलब है कि बैसाखी पर्व और खालसा पंथ स्थापना दिवस के मौके पर देवेंद्र नगर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। इस दौरान सिख जनों ने गुरु गोविंद और पंच प्यारों का नाम जपा, सबकी खुशहाली की कामना यहां की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। अपने परिजनों के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर खालसा पंथ स्थापना के बारे में बताया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के जीवनी को स्मरण करते हुए महासचिव गुरुचरण होरा ने कहा कि देश और विदेश में सिख धर्म की अलग ही मिसाल और पहचान है। वाहेगुरु के पथ पर चलते हुए सिख समाज सबकी सेवा में सदैव लगा हुआ है। वहीं दलेर सिंह होरा ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने वर्ष 1699 में बैसाखी पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। पंज प्यारों को अमृत पान कराया था। गुरजीत सिंह भाटिया ने इस मौके पर सबको बैसाखी पर्व की बधाइयां दी। बैसाखी पर्व सिख समाज के लिए स्थापना का पर्व है। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की, पंज प्यारों को अमृत छकाया, उसके बाद स्वयं अमृत। ये मिसाल जो है पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलती है तो सिख समाज में मिलती है। इसलिए आज सिख समाज जो है सब तरफ प्रगति के पथ पे है। चाहे कोई भी विपत्ति आया हो, सिख समाज ने हमेशा आगे आकर लोगों की मदद की है, सेवा की है। और हमारे गुरुओं ने सिखाया है हमें कि कीरत करो, वन छको, नाम जपो। इस तो परंपरा पे हम कायम होकर आज बैसाखी का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मना रहे हैं। मैं बैसाखी पर्व पर पूरे लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने की प्रेरणा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख पंथ की स्थापना की सी। सारे सिख जेडे भी दुनिया में जिते भी कोने कोने हैं, सबनों बहुत बहुत बधाइयाँ। अज बहुत ही गुरु महाराज ने साडे उत्ते परोपकार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अज खालसा पंथ सिरजना करके सारे सिख पंथ को बहुत बहुत बधाइया, बहुत बहुत बधाइया। वाहेगुरू खालसा, वाहेगुरू फतेह। प्रदेश वासियों को और हमारे सिख समाज को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई सुरजीत सिंह हेडगंथी, जो अभी हमारे बड़े वीर सरदार गुरचंद सिंह होरा जी ने तीन जो गुरु नानक देव जी वालों बख्शी, नाम जपना, वन के छगना ते किरत करनी, उन्हां दे उत्ते ही मैं एक मिसाल जिहड़ी है वह साढ़े सामने है। भावें करोना दे विच आए होण, भावें करोना दे विच लोगां दे बहुत आपत्ति आई, पर साढ़े सिख समाज सब तो अगे आया। छत्तीसगढ़ दे एक मिसाल बन के सरदार गुरचंद सिंह होरा जी ने सेवा की, जो उन्हां नूं इत्थों दी सरकार वल्लों भी सम्मानित किया गया। भावें यूक्रेन की धरती होवे, उत्थे भी खालसा एड पहुंची है। हर जगह गुरु का खालसा अगे पहुँच के सेवा करता। ताइयों कह खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो अगे हो के सेवा निभाते हैं, तो इसी तरह कृपा बनी रहे। साढ़े सिख हमेशा दुख सुख के साथी बन के मानवता की सेवा कर। और मैं बेनती करदा, थोड़ी फिर दोबारा बेनती करदा, सच हक की आवाज़ उठाउण वाला जे एक छत्तीसगढ़ के चैनल है तो ग्रैंड न्यू चैनल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज खालसे का साजना दिवस है। अज के दिन धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
खालसी सजना की थी, पंजा प्यारों की चोण करके उन्होंने अमृत पान करवा के उन्होंने पासों अमृत की दात प्राप्त की, फिर खालसे की सृजना की। इस समय जो खालसा है सारे ही संसार विच रह रहा है, और मैं सन्मानयोग सरदार गुरचरण सिंह जी होरा जो कि अपने चैनल राही गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सो बड़े भागों वाले हाँ जो पूरे ही छत्तीसगढ़ विच लाइव गुरबाणी का कीर्तन कथा असी सरवण करते हैं। सो चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। आज बैसाखी का जो पर्व है, हमारे दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज ही के दिन खालसा पंथ की रचना की थी, और खालसा पंथ में जिन पांच सिखों को सिख बनाया था, गुरु सिख बनाया था, पांचों अलग अलग जाति अलग अलग उसके धर्म के थे, लेकिन उन्होंने गुरु सिख बनने से पहले जिन जातियों को और जिन धर्मों को वो अपनाते थे उस धर्म को अपनाते हुए उन्होंने गुरु सिख धर्म को अपनाया और आज खालसा पंथ की रचना की। सर्वप्रथम पाँचों पंच प्यारों को उन्होंने अमृत पान कराया, और उन पाँच प्यारों से फिर खुद अमृत पान किया, और खुद फिर गोविंद राय से गोविंद सिंह सजे। वो गोविंद राय से गोविंद सिंह सजते समय भाई दया सिंह जिन्होंने कि उनसे कहा कि जब आपने हमको गुरु बनाया तो आपने हमसे शीश मांगे और हमने आपको शीश भेंट किया, अब आप गुरु के सिख बन रहे हैं तो आप हमें क्या देंगे, समाज को क्या देंगे, कौम को क्या देंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि दया सिंह जी वक्त पड़ेगी तो मैं अपने पिता का शीश तो कुर्बान कर चुका हूँ चांदनी चौक में, उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी इस देश और धर्म की खातिर कुर्बान करने को तैयार हूँ। उन्होंने उनके दो बच्चे सरहंद पे चुनाए गए और दो बच्चों को जंग पे जिनको परम गति प्राप्त हुई, और उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी की जो हमारी माता जी माता गुजर कौर उनके गम में बच्चों के छोटे छोटे 7 और 9 साल के बच्चों के गम में उन्होंने प्राण को त्यागा। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा खानदान, एक ऐसा समाज जिसने एक सत्य की राह में चलते हुए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। कुर्बानी देने का केवल एक ही मकसद था कि देश और दुनिया में धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म सिख धर्म सभी धर्मों की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राण को त्यागे। और आज हम सबके बीच जो सिखों कहते हैं कि चार मुँह तो क्या मुआ जीवत कई हजार, उन्होंने सिखों को जो रूप दिया है उन्हीं में उनके पुत्र नज़र आते हैं। और आज का जो पर्व है, आज के पर्व के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस सिखी कौम की चढ़दी कला की अरदास करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु रूप साध संगत जी, 1699 की बैसाखी वाले दिन धन धन पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा कौम की सृजना की, एक नवी इकली कौम पंजा प्यारियां दी चोण करके एक नवा विलखणता बख्शिश की। असी वड़भागी हाँ सारे गुरु नानक नाम लेवा सिख जिथे जिथे संसार विच बैठे हाँ, अज जे सिखी स्वरूप विच हाँ तो वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा नाल है, दात है। मैं सारे संसार वासियां नूं इस खालसा पंथ सिरजना दिवस अते बैसाख महीने की आमद की वधाई देना हाँ। नाल ही मैं अरदास बेनती करदा साडे वड्डे वीर सरदार गुरचरण सिंह होरा समूह परिवार वालों समय समय से आ के सानू ये अपने चैनल दे राही संगतां दे रूबरू कराते ने, संगतां दे दर्शन दीदारे कराते ने। सो मैं बेनती करा इसे तरह जे दूजी भी गल करा सच ते हक दी जिहड़ी आवाज़ है वो छत्तीसगढ़ दे विच ग्रैंड न्यू चैनल जिहड़ा है वो सब तो पहला लैके आउंदा है। जे किसे नू कोई परेशानी है जां धक्का करदा शासन प्रशासन पब्लिक, जे किसी नाल कोई इस तरह की गल है तो ग्रैंड न्यूज़ के नाल जुड़ के अपनी समस्या पब्लिक दे राही अना दे चैनल दे माध्यम दे राही रख सकता है। मैं बेनती करा कि ये भी इस तरह तनदेही दे नाल सच दे नाल लड़के अपनी चैनल दे राही सेवा करन अते लोकां दी सच दी जिहड़ी सब आवाज़ है वो सारी संसार नूं पता लगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारी साध संगत को बैसाखी और खालसा साधना दिवस की लख लख बधाइयाँ। 1699 ईस्वी में तक आनंदपुर साहिब जो सिखों के 5 तखत में से 1 तखत है, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसापन की साधना की थी, जहाँ पे उन्होंने पंच प्यारे थापे थे
और वहाँ पे पंच ककार सिखों को बख्शे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा कौम की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने जबर जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत दी थी। उन्होंने सुमत बख्शी थी कि आपको जबर जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है और कैसे अपने सिद्धांतों की रक्षा करनी है। आप सारी संगत को मेरी तरफ से एक बार फिर वैसाखी की लख लख बधाइयाँ। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी पर्व पर सिख धर्म ने पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और देश और दुनिया में खुशहाली की कामना दिल से की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।